सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मेरे से पूछते हैं कि भाई मैं कनाडा में इमिग्रेशन लेके आ रहा हूँ, आईटी जॉब मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा, एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस आपको एक किसी का बताने वाला हूँ, और ये एक्चुअली क्यूबेक में हुआ। क्यूबेक में आपको पता है कि मॉन्ट्रियल एक सेंटर है, वहाँ पर मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और टोरंटो, यहाँ के लोग कहते हैं कि आप आइए जी, आईटी जॉब्स आपको बहुत मिलेगी जी, 5,000 10,000 तक आपको मिलेगा, और फलाना फलाना। इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो बाहर बैठे हैं, जो कनाडा में नहीं रहते, वो कहते हैं जी जाओ, आपको जॉब्स ही जॉब्स हैं जी, आपका अच्छा वो है। और जो एनओसी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, उसमें भी एक्सप्रेस एंट्री में जब वो आपका आईटी कंसल्टेंट या एनओसी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला डालते हैं, तो कहते हैं जी आपका प्रायोरिटी में है। क्यूबेक में भी इसको प्रायोरिटी में लेते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें एक इमिग्रेंट तो थे, ये आए हैं कोलंबिया से, आप देखो शक्ल इनकी आ रही है, ह्यूगो रुइस है, लवाल में रहते हैं क्यूबेक में, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोलंबिया से, और इनको इनको जॉब नहीं मिली 2 साल से, 2016 में आए थे, और ये इन्होंने लोन वगैरह लेने की कोशिश करी तो लोन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इनका काम नहीं हुआ, अपनी कंपनी खोलने की कोशिश करी वो भी शायद चली नहीं, और इन्होंने फ्रेंच भी सीखी। बताइए, देखिए लिखा है अराइव इन क्यूबेक इन 2016 विद लिटिल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, फिर इन्होंने आकर यहाँ पर कोर्स किया, फ्रेंच का भी किया और आईटी का भी किया इन्होंने। आप ये डॉक्यूमेंट ये पढ़ सकते हैं, आप उस पर गूगल पे जाएं, ऐसे टाइप करें December 2nd, और ये टाइप है इसका इमिग्रेंट जॉब सर्च, चीज ऊपर लिखा है ना, ये टाइप करेंगे तो आपको सारा वो आ जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। तो डिग्री है, आईटीआर है, अपना एक्सपीरियंस काफी साल का रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 41 पे आए होंगे या मे बी 40 पे आए होंगे, तो जॉब इनको नहीं मिली, और अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ जाएंगे, और इनको एक्चुअली क्यूबेक ने इनको सेलेक्ट किया, जिसको जिसको कहते हैं नॉमिनेशन कहते हैं ना, क्यूबेक में कई लोग कंसल्टेंट कहते हैं जी क्यूबेक का डाल देते हैं फाइल, आप कीजिए, अब क्यूबेक लग जाएगा। उससे पूछो भाई के जॉब कैसे मिलेगी, तो पहुँच तो जाएगी लेकिन वहाँ क्या आगे हुआ, तो ये जरूर वहाँ से अगर नॉमिनेशन लेकर आए हैं अल्टीमेटली ये मूव तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने शायद कोई अपनी सेटलमेंट कर ली होगी या और कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं, तो ये परेशानी है। आप ये मैं चाहता हूँ कि आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ें और थोड़ा सा अपना दिमाग और थोड़ा सा विजन को ब्रॉडन करें, और कंसल्टेंट जो भी आपसे कहता है कि भाई आपकी क्यूबेक हम फाइल डाल देंगे, उससे कहना भाई साहब ये जरा आर्टिकल पढ़ लो। मैं नहीं कहता हूँ कि सबके पास हो सकता है, लेकिन दिस इज वेरी टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, अगर अपने पसंद की, अपने लेवल की, अपने सेक्टर की अगर जॉब मिलेगी, तो फिर और बाकी को हम एमबीए को क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट्स कहाँ जाएंगे, जो बैंकर हैं वो कहाँ जाएंगे, और भी जो नॉन टेक्निकल जो स्किल्ड हैं वो लोग को चांस नहीं है। एक्चुअली भी बताया उन्हें कि इतनी, कई बार मैं बता चुका हूँ, और उन्होंने मेरे से कहा है कि आप पैसे में अच्छे गंदी गंदी बातें बताते हो जी, आप खुद कनाडा में बैठे हो, आप बोलते हो कि हम कनाडा में नहीं आए, तो भाई मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं किसी को ना डिस्करेज करता हूँ ना इंकरेज करता हूँ, मैं तो आपको शीशा दिखाता हूँ, आई एम लाइक अ जर्नलिस्ट, जो रियलिटी है उसको वो आपके सामने देता हूँ, आप पढ़ें, आपको फायदा लें उससे, जो आपको पसंद है कर सकते हैं, मैं किसी को कोई एटीट्यूड नहीं दिखाता कि भाई आप आए ना आए, आपकी मर्जी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगस्त 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इमिग्रेंट्स बिटवीन 25 एंड 54 फेल टू 6.1% अबव 10%। सरकार खुद कह रही है कि 10% जो इमिग्रेंट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट थी इन अगस्त 2018, मतलब पिछले साल तक, और मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इसका एटलीस्ट 20 से 25% होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप सोचो कि 1 out of 5 इमिग्रेंट्स हु आर स्किल्ड नॉमिनेटेड बाय क्यूबेक स्किल क्लास में आए हैं, उनके पास अपने मतलब की जॉब्स नहीं है, कुछ छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहा होगा, कोई कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होगा, कोई और कुछ कर रहा है, कोई पिज्जा डिलीवरी कर रहा है वगैरह वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन अपने मतलब की उनको जॉब नहीं। तो रूइस क्या कह रहे हैं, मिस्टर रूइस क्या कह रहे हैं, ये आपकी लाइन, माई एक्सपीरियंस इतना दिखा देते हैं, माई एक्सपीरियंस लुकिंग फॉर वर्क हैज बीन बिजार्ड, व्हाट इज द लाइफ ऑफ फॉर प्रोफेशनल्स हु कम हियर, इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स इंपॉर्टेंट टू कैनेडा। इस सेंटिमेंट से आपको लग गया कि रूइस साहब क्या सोच रहे हैं, क्या होते सब भी थी, तो ये आप, मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकल जरूर आप देखें, पढ़ें और इसका फायदा उठाएं, और एज यूजुअल सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स जरूर डालें, आपके नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, और कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट जरूर डालें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और अगर फायदा हुआ तो जरूर वो भी लिखें, थैंक यू।